हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 10th पार्ट के बारे में। इसकी 9 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। सो इस 10th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब एक कंपनी को अपने इशूड शेयर के कंपैरिजन में कम एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, यानी जितने शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए थे सेल करने के लिए, अगर वो सारे शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हो पाते, पब्लिक उसको सब्सक्राइब नहीं करती, तो इन दैट केस हमें उसको क्या बोलना होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो आज हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में सेल नहीं हो पाते, इन दैट केस उनको क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर करनी होती हैं, कैश बुक, बैलेंस शीट और वर्किंग नोट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। सो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपेयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका लिंक आपको मिल जाए। इसके साथ हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग रिटेन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यहां पर हमें कह रहे हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मींस रिसीविंग लेस एप्लीकेशंस एज कंपेयर टू इश्यूड शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? कम एप्लीकेशंस रिसीव होना एज कंपेयर टू द इश्यूड शेयर्स। जितने शेयर्स मार्केट में इशू किए गए थे वो सारे जनरल पब्लिक अगर सब्सक्राइब नहीं करती है, परचेज नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच इशूड शेयर्स आर मोर देन दी सब्सक्राइब शेयर्स। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी ने शेयर्स तो ज़्यादा इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने उनको सब्सक्राइब नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 8,000 ही परचेज किए, यानी ये कौन सी सिचुएशन है? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जितने इशू किए गए हैं वो सारे शेयर सब्सक्राइब नहीं किए गए। हैंस इन दिस सिचुएशन अ कंपनी इज नॉट एबल टू इशू ऑल द शेयर्स एज दे आर ऑल नॉट सब्सक्राइब। अगर ऐसी सिचुएशन आती है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, कंपनी जो है वो अपने सारे शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकती क्योंकि पब्लिक ने सारे शेयर्स सब्सक्राइब किए ही नहीं हैं। जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं वही कंपनी सेल कर पाएगी, और जो 2000 सब्सक्राइब नहीं हुए कंपनी उनको मार्केट में सेल नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको परचेज करने के लिए किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी, किसी ने एप्लीकेशन मनी ही नहीं दी, किसी ने शेयर्स परचेज ही नहीं किए। सो इस सिचुएशन में नॉर्मल एंट्रीज पास की जाती हैं जैसे हम अदर केसेस में करते हैं। बस कंसिडरेशन इतनी हमें रखनी है कि 8,000 के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी, 10,000 के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि पब्लिक ने 10,000 के लिए अप्लाई किया ही नहीं है। पब्लिक ने 8,000 के लिए अप्लाई किए, 8,000 के अगेंस्ट हमें एप्लीकेशन मिली है और 8,000 को ही हम शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। सो नॉर्मल एंट्रीज पास करनी है, बस 8,000 के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ रूल्स पता होने चाहिए अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक कंपनी को फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है As per the rules of SEBI, Security and Exchange Board of India, it is compulsory to receive a subscription of at least 90% of issued shares. SEBI ने ये compulsory कर दिया है कि अगर कोई कंपनी अपने shares market में issue करती है या privately place भी करती है, दोनों situations में at least 90% उसके shares sell हो जाने चाहिए। For example, अगर कंपनी ने 10,000 shares market में issue किए तो एटलीस्ट 90% की सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिल जानी चाहिए, 90% शेयर्स मार्केट में सेल हो जाने चाहिए। इफ इशू वॉज नॉट सब्सक्राइब्ड और कंपनी डज नॉट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देन द कंपनी इज नॉट अलाउड टू अलॉट एनी शेयर्स। अगर कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है वो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब नहीं किए जाते, पब्लिक उसको परचेज नहीं करती या फिर सब्सक्राइब करती है लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती, 90% शेयर्स नहीं परचेज किए गए, 90% शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए। फॉर एग्जांपल,
पब्लिक ने 9000 सब्सक्राइब करने थे लेकिन उन्होंने कर लिए 8000, तो ये तो 80% ही हुआ, 90% नहीं हो पाया, 90% की जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कंपनी को नहीं मिली। इन दैट केस कंपनी अपने शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, उनको सारी अमाउंट वापस करनी होगी, जो एप्लीकेशन मनी उन्होंने रिसीव किए शेयर होल्डर से 8000 शेयर्स के अकॉर्डिंग वो रिटर्न करनी होगी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हैंस ऑल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन मनी नीड्स टू बी रिफंडेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ही आपको वो सारी अमाउंट रिफंड करनी होगी अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक रीच नहीं कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी अगर कंपनी को कम शेयर्स रिसीव होते हैं, सारी पब्लिक सारे शेयर्स परचेज नहीं कर रही, इन दैट केस उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। एज कंपनी डज नॉट रिसीव ऑल दी सब्सक्रिप्शंस, क्योंकि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए वो सारे शेयर्स पब्लिक ने परचेज नहीं किए, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू दी शेयर्स इशूड। सो कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करे एज पर दी इशूड शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू तो 10,000 शेयर्स किए थे लेकिन पब्लिक ने सारे शेयर्स तो सब्सक्राइब किए ही नहीं है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, कंपनी इशूड शेयर्स के अकॉर्डिंग एंट्री पास नहीं कर सकती, hence all entries are to be recorded as per the shares applied by the shareholders। जितने shares shareholders ने apply किए purchase करने के लिए application money दी है उसके according ही हमें सारी entries pass करनी होंगी, allotment भी, application भी, first and final call भी। so ये हमारे पास question है, इसको हम solve करते हैं with the help of journal entries, cash book, balance sheet एंड वर्किंग नोट्स। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज ₹1,20,00,000। सो ये रुपीज में गिवन है, अगर इसको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाए तो ₹10 का एक शेयर है, सो टोटल शेयर्स कंपनी के पास कितने हो जाएंगे, 12,00,000। सो ये ऑथोराइज कैपिटल है, आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 8,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 12,00,000 कंपनी के पास शेयर्स अवेलेबल थे जिसमें से उन्होंने 8,00,000 शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं, यानी इशूड कैपिटल, इशूड शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। सो कंपनी इन शेयर्स को इशू कर रही है लेकिन प्रीमियम वैल्यू पर, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट पर सेल कर रही है। सो यहां पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, सो ये हमारे पास आ जाएगी इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, देन सेकंड हमारे पास आएगी इशूड कैपिटल। 8,00,000 शेयर्स इशू किए गए हैं एट द रेट 10 ईच और साथ में ₹2 का प्रीमियम भी है, क्योंकि 20% कहा गया है, सो ₹10 का हम 20% करेंगे तो प्रीमियम की वैल्यू आएगी ₹2। सो ₹10 वाला शेयर ₹2 में सेल किया गया। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द अमाउंट वॉज पेबल एज एप्लीकेशन में ₹2 कॉल किए गए हैं, अलॉटमेंट में ₹6, फर्स्ट कॉल में ₹2 और बैलेंस जो अमाउंट बच जाएगी वो हम फाइनल कॉल पे रिसीव करेंगे। क्वेश्चन में हमें कहीं पर बताया नहीं हुआ कि जो प्रीमियम हम ₹2 का कॉल कर रहे हैं 20% वो किसके साथ एडजस्ट करना है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हमें अलॉटमेंट के साथ ही उसको कॉल करना होता है। सो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास आएगा एप्लीकेशन दैट इज ₹2, अलॉटमेंट ₹6, फर्स्ट कॉल ₹2 और फाइनल एंड सेकंड कॉल के बारे में हमें क्या है, बैलेंस। सो बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर ओरिजिनल एंट्रीज, ओरिजिनल अमाउंट भी मेंशन कर देनी है। एप्लीकेशन में ओरिजिनल अमाउंट है, प्रीमियम नहीं है, सो ₹2। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, सो इट मीन्स ₹4 इसकी हो गई ओरिजिनल अमाउंट और ₹2 किस चीज़ के हो गए, प्रीमियम के, जो कि अलॉटमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो ये हमें एज्यूम करना होता है कि प्रीमियम अलॉटमेंट में ही इंक्लूडेड है। यहाँ पर आ जाएगा ₹2, तो बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर ₹10 की कॉल है और ₹2 का प्रीमियम,
सो ये हमारे पास आ जाएगा 268, यानी बैलेंस अमाउंट कितनी बचेगी, 2 रुपीज़। सो ये हमारे पास हो जाएगा 10 रुपीज़ ओरिजिनल अमाउंट और 2 रुपीज़ प्रीमियम। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं पब्लिक अप्लाइड फॉर 780,000 शेयर्स। सो कंपनी ने इशू किए थे 8 लाख शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 780,000 शेयर्स के लिए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अलॉन्ग विद जर्नल एंड नोट्स टू अकाउंट्स। सो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्योंकि कंपनी ने इशू किए थे 8 लाख शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 780,000 शेयर्स के लिए। अब क्योंकि कंपनी को सारी एप्लीकेशंस रिसीव नहीं हुई हैं, इसलिए जो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी वो 780,000 के अकॉर्डिंग की जाएगी। बिल्कुल फर्स्ट से, बिगिनिंग से लेके एंड तक सारी ट्रांजैक्शन हमें 780,000 के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करनी है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सारंग लिमिटेड जर्नल, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। सो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करने की। यहाँ पर हमें डेट्स नहीं गिवन क्वेश्चन में, इसलिए हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे 1। तो सबसे पहले हमें अमाउंट रिसीव होगी, क्योंकि हम एप्लीकेशन के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। सो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, इसलिए बैंक को हम कर देंगे डेबिट। क्यों रिसीव हो रही है? क्योंकि शेयर एप्लीकेशंस पे हमें अमाउंट मिल रही है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस हम कुछ मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया कि वो इक्विटी शेयर्स हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट एंट्री, जो हमें क्या शो कर रही है, अमाउंट रिसीव हो रही है किसके अगेंस्ट, एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट। जितनी भी एंट्रीज हैं वो हमें 780,000 के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है। एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ की, 8 लाख के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने 780,000 के लिए ही अप्लाई किया था। सो 780,000 के लिए अप्लाई किया है, तो अमाउंट भी हमें 780,000 के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, इसलिए जितनी भी एंट्रीज हैं वो हम सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 780,000 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1,560,000, यानी 1,560,000 हमें रिसीव हो रहे किसके अगेंस्ट, एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट। सेकेंड एंट्री क्या आएगी, जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। सो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी शेयर एप्लीकेशन से जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर कैपिटल में। सेम अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, और प्रीमियम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सो प्रीमियम हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, तो उसके साथ ही हमें वो एडजस्ट करना है। यहाँ पर आपको साथ में नरेशन भी मेंशन करनी है हर एक एंट्री के साथ सेपरेटली। थर्ड एंट्री हमारे पास आएगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की, यानी ऐसी अमाउंट जो हमें रिसीव हो जानी चाहिए अलॉटमेंट के साथ, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है, हम सिर्फ ड्यू कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपकी कॉल जो है वो आने वाली है, पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। सो क्योंकि अमाउंट रिसीव नहीं हो रही, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट यूज नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू करने की एंट्री है, जो हमें क्या शो कर रही है कि अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। अभी अमाउंट रिसीव हुई नहीं है, अभी हम सिर्फ ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं कि जब रिसीव होगी तब हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि इसके साथ हमारी प्रीमियम भी है, अलॉटमेंट के साथ हम प्रीमियम अमाउंट भी कॉल कर रहे हैं, सो हमें प्रीमियम जो है वो अलग से शो करना होगा। हम एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर से, एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल करना बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। सो 780,000 के अकॉर्डिंग हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अलॉटमेंट है 6 रुपीज़ की, सो ये हमारे पास आ जाएगा 46,80,000, जिसमें से 4 रुपीज़ ओरिजिनल अमाउंट है और 2 रुपीज़ प्रीमियम है। सो 4 रुपीज़ की अमाउंट हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, आ जाएगा 31,20,000, और 2 रुपीज़ की जो प्रीमियम अमाउंट है वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे।
दैट इज 15,60,000। अमाउंट ड्यू करने के बाद अब हमें अमाउंट फाइनली रिसीव हो जाएगी, यानी फोर्थ एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की। अब क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए हम यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे। कहां से रिसीव हो रही है? शेयर अलॉटमेंट से। सो क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर अलॉटमेंट को। और यहां पर आपने ध्यान रखना है कि टोटल अमाउंट जो आपकी है वो आपको पूरी रिसीव हो रही है, कोई कॉल इन एरियर नहीं है। सो सारी अमाउंट हम यहां पर ट्रांसफर करेंगे 46,80,000। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए। अब इसमें भी हम फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को रिमाइंड करवा रहे हैं कि अमाउंट पे कर दीजिए, ड्यू डेट आने वाली है। सो इसलिए यहां पर हम बैंक अकाउंट यूज नहीं करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी फर्स्ट कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। अभी रिसीव हुई नहीं है इसलिए हमने बैंक अकाउंट यूज नहीं किया। सो 7,80,000 के अकॉर्डिंग 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, ये हमारे पास आ जाएगा 15,60,000। नेक्स्ट अमाउंट को ड्यू करने के बाद फाइनली हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किसके अगेंस्ट रिसीव हो रही है? शेयर फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट। सो इसलिए यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल यूज किया जाए। टोटल अमाउंट पूरी रिसीव होगी, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है इसमें। जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम था वो हमने सारा शेयर अलॉटमेंट के साथ कॉल कर लिया था। सो इसमें यहां पर हमारे पास ओरिजिनल एंट्री आ जाएगी 15,60,000। सो ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने के लिए। सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है, हम सिर्फ ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को यूज़ करेंगे टू शेयर कैपिटल, यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। और अमाउंट सेम आएगी 15,60,000, क्योंकि ये भी कॉल 2 रुपीज की है, 7,80,000 मल्टीप्लाई 2। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी फाइनली अमाउंट रिसीव करने की, क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स ने अमाउंट पे कर दिए। सो अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए क्या मेंशन करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। किसके अगेंस्ट रिसीव हो रही है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो क्रेडिट किसको करेंगे? टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो नरेशन आपको सबके साथ मेंशन करनी है। फाइनली हमें सारी अमाउंट रिसीव हो चुकी है और सारी एंट्रीज अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हम उन शेयर्स के अकॉर्डिंग एंटर करते हैं जितनी पब्लिक ने सब्सक्राइब की है, इशूड के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। कैश बुक डेबिट और क्रेडिट साइड के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है। जो भी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। और जो भी अमाउंट हमने पे करनी है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। सो सिंपल जो एंट्रीज अभी हमने रिकॉर्ड की हैं उसमें जहाँ पर भी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको हम अपनी कैश बुक में एंटर कर देंगे। सो चलिए इसको एंटर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अमाउंट रिसीव हो रही है शेयर एप्लीकेशन के साथ, रिसीव हो रही है इसलिए डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन 15,60,000। द नेक्स्ट हमें अमाउंट रिसीव हो रही है शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट, सो यहां पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट यहां पर जो कैश में हमें रिसीव हो रही है वो हमें पूरी मेंशन करनी है, यानी प्रीमियम वाली भी और ओरिजिनल वाली भी। सो यहां पर आप देख सकते हो 3,12,000 हमारी ओरिजिनल अमाउंट है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 15,60,000। हमें क्योंकि पूरी अमाउंट रिसीव हो रही है
46,80,000। सो हम पूरी अमाउंट यहाँ पर यूज़ करेंगे रिकॉर्ड करने के लिए। सो 46,80,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट कॉल टू शेयर, फर्स्ट कॉल 15,60,000 और लास्ट में टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 15,60,000। सो इनको प्लस कर देंगे। क्रेडिट साइड हमारे पास कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि हमने कोई भी पेमेंट किसी को की नहीं है, रिटर्न नहीं की, सारी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। सो ये हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट में शो करने वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस। सो 15,60,000 प्लस 46,80,000 15,60,000 एंड प्लस 15,60,000। सो इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 93,60,000। तो इसको हम यहाँ पर बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 93,60,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट्स टू अकाउंट्स, क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी उसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर मेंशन कर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट सबसे पहले हमें शेयर कैपिटल फाइंड आउट करनी है। सो यहां पर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 12,00,000, यानी वो मैक्सिमम 12,00,000 शेयर्स इशू कर सकती है एट द रेट 10 ईच। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,00,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है इशूड कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो कंपनी ने मार्केट में इशू की है अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। सो कंपनी ने 8,00,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच। यहाँ पर हमें ओरिजिनल अमाउंट ही मेंशन करनी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए हमें अलग से वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 80,00,000। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसमें हमारे पास फर्दर दो एलिमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सो क्योंकि यहाँ पर हमें सारी अमाउंट रिसीव हो चुकी है जितने भी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उसके अगेंस्ट, सो इसलिए हम यहाँ पर एक ही हेड प्रिपेयर करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सो सब्सक्राइब कंपनी ने इशू किए थे 8,00,000 शेयर्स लेकिन पब्लिक ने सारे सब्सक्राइब नहीं किए। सो इट मीन्स हमें सब्सक्रिप्शन 7,80,000 के अकॉर्डिंग ही एंटर करनी है एट द रेट 10 ईच। सो ये हमारे पास आ जाएगा 78,00,000। सो ये वो अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करनी है। अब इसके साथ ही हम एक और वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हमें रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करना है। रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास सिर्फ एक ही अमाउंट है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो कि हमें रिसीव हुआ है। 7,80,000 शेयर्स हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास 2 रुपीज का। सो टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 15,60,000। सो लास्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो डेट हमें गिवन होगी वो हमें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट एलिमेंट शेयर कैपिटल जो अभी हमने कैलकुलेट किया था
वर्किंग नोट्स में, वो हमें यहाँ पर मेंशन कर देना है। वर्किंग नोट नंबर 1, 78 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस, जो कि आया था 15,60,000, वर्किंग नोट नंबर 2। सो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल लायबिलिटी साइड, इसका टोटल कर देंगे प्लस 93,60,000। ऐसे ही बैलेंस शीट में नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ एसेट साइड। सो यहां पर हम लिखेंगे एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट्स, लेकिन क्योंकि नॉन करंट एसेट हमें कोई गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे करंट एसेट्स से। करंट एसेट्स में हमें क्या लिखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ही आया है, जो कि है टोटल 93,60,000, और ये हमने कैश बुक में से यूज कर लिया है। इसका भी टोटल कर देंगे और हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड इक्वल हो जाएगी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दिया करिए।